morning dear student, most welcome to the online class SPPS in this video for 11th class. In English writing, I am teaching you letters. आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा, क्वेश्चन होगा यू आर मंजू मनीष, फोर गर्ल्स मंजू एंड फोर बॉयज मनीष ऑफ G70 गोमती नगर लखनऊ, दिस इज द एड्रेस. यू हैव बॉट एन इलेक्ट्रिक चिमनी, आपने इलेक्ट्रिक चिमनी खरीदी थी फ्रॉम मेसर्स डीपी इलेक्ट्रॉनिक वर्ड निराला मार्केट लखनऊ. द चिमनी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, चिमनी है वो छत्र के काम नहीं कर रही है. एंड इज मेकिंग अलॉट ऑफ नॉइज, और बाजा बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है. विदिन 7 days ऑफ इट्स परचेज, विदिन के अंदर 7 दिनों के अंदर इसके खरीदने के. राइट ए लेटर ऑफ कंप्लेंट, आपको शिकायत का पत्र लिखना है टू द मैनेजर ऑफ डीपी इलेक्ट्रॉनिक वर्ड्स कंप्लेनिंग अबाउट द सेम एंड आस्किंग फॉर द रिप्लेसमेंट. तो समझ गए सर, आपने चिमनी खबर खरीदी थी एक स्टोर से, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से, जो कि काम नहीं करनी है, वो वारंटी पीरियड में है, आपको परचेज करनी है, कंप्लेंट का लेटर है. तो टू राइट ए लेटर, वी नीड फर्स्ट टू एड्रेस, एड्रेस आपका दिया गया G70 गोमती नगर लखनऊ, डेट 7/06/2021. फिर जिसके लिए पता लिखा जाएगा उस लेटर लिखा उसके लिखो भी दी मैनेजर क्या नाम था, मेसर्स MS डीपी इलेक्ट्रॉनिक वर्ड डीपी इलेक्ट्रॉनिक वर्ड निराला मार्केट लखनऊ. इधर सब्जेक्ट डाल दो, सब्जेक्ट आपका हो जाए कंप्लेंट अबाउट डिफेक्टिव इलेक्ट्रिक चिमनी. तो लिखोगे कंप्लेंट अबाउट डिफेक्टिव इलेक्ट्रिक चिमनी. आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है सॉल्यूशन. और ये बॉडी होगी जो मैं आपको बोलूंगा आप सुन के लिखोगे. क्या लिखोगे, आई बॉट ए न्यू इलेक्ट्रॉनिक चिमनी फ्रॉम योर सेल्फ लास्ट वीक, मैंने एक नई इलेक्ट्रॉनिक चिमनी खरीदी थी आपकी दुकान से पिछले सप्ताह. बाय डे इनवॉइस नंबर 8052 डेटेड 17 अक्टूबर 2020. सेकेंड पैराग्राफ लिखोगे, हाउएवर परंतु द प्रोजेक्ट इज गिविंग मी ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम, ये जो प्रोडक्ट आपका वो बहुत ज़्यादा कष्ट दे रहा है. एंड आई वुड लाइक टू कंप्लेन अबाउट द सेम, और मैं उसी बारे में शिकायत करना चाहता हूँ. सम स्विचेज ऑफ द चिमनी आर नॉट वर्किंग, कुछ स्विच होते हैं वो चिमनी के काम नहीं कर रहे हैं. एंड इज ऑल्सो मेक्स एन अनरियबल नॉइज, और ये असहनीय आवाज को करते हैं. आई एम अनएबल टू यूज इट, मैं इसे यूज करने में असमर्थ हूँ रेगुलरली रोजाना. अंडर दिस सर्कमस्टांसेस, इस परिस्थितियों के नीचे आई वुड रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे विनती करना चाहूँगा टू रिप्लेस द डिफेक्टिव चिमनी सिंस चूँकि इट इज वेल विद इन द गारंटी पीरियड, ये अब भी गारंटी पीरियड के अंदर है. होपिंग टू रिसीव ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम यू, तो दिस इज द बॉडी. आई एम अगेन गोइंग टू टेल यू, आई वॉट ए न्यू इलेक्ट्रॉनिक चिमनी फ्रॉम योर शॉप लास्ट वीक. बायड इनवॉइस नंबर 8052 डेटेड 17 अक्टूबर 2020. सेकेंड पैराग्राफ होगा, हाउ एवर परंतु द प्रोडक्ट इज गिविंग मी अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड आई वुड लाइक टू कंप्लेंट अबाउट द सेम. सम स्विचेज ऑफ द चिमनी आर नॉट वर्किंग, कुछ स्विच होते चिमनी को काम नहीं कर रहे हैं. एंड इज ऑल्सो मेकिंग एन अनरियबल नॉइज, और ये असहनीय आवाज़ को कर रहे हैं. आई एम अनएबल टू यूज इट रेगुलरली, मैं इसका नियमित रोजाना यूज करने में असमर्थ हूँ. लास्ट में हो गई, अंडर दिस सर्कमस्टांस इन प्रस्तुत नीचे आई वुड रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे विनती करता हूँ टू रिप्लेस द डिफेक्टिव चिमनी सिंस इट इज वेल विद इन द गारंटी पीरियड. होपिंग टू रिसीव, लास्ट में लिख देना, होपिंग टू रिसीव अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स योर फैन इज सिंसियरली, जो भी लिखा है लिखोगे मनीष या मंजू. तो दिस इज ओनली होमवर्क, आपके लिए होमवर्क है, इसको आप मेरी स्पीच और कुछ अपने पॉइंट लिख के कंप्लीट करोगे. दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक्स.